हेलो, दिस इज डॉक्टर उपेंद्र कौर. वेलकम टू फिजियो लेक्चर्स. अब लास्ट की कुछ वीडियोस में नी जॉइंट बायोमैकेनिक्स के बारे में देखा और हमने जो है मेनिस्काई के बारे में देखा. अगर आपने अभी तक वो सारी वीडियोस ना देखी हो तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा और उसके अलावा ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें. अब आज जो है हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के बारे में पढ़ेंगे, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की एनाटॉमी और फिर उसके बाद जो है उसके फंक्शंस के बारे में देखेंगे. तो सबसे पहले एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की जो है एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है. अब सबसे पहले जो है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है वो हाईली इंजर्ड है. एथलीट्स में उसकी इंजरी काफी ज्यादा होती है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की. अब ये जो लिगामेंट है वो कहाँ से अटैच होता है, तो डिस्टली क्या होता है कि वो टिबिया पे अटैच होता है और प्रॉक्सिमली फीमर के लेटरल कॉन्डाइल पे. अब होता क्या है कि ये जो टिबिया है इससे इंटरकॉन्डाइलर टिबियल स्पाइन होते हैं. ये इंटरकॉन्डाइलर टिबियल स्पाइन एक मीडियल साइड पे होता है और एक लेटरल साइड पे होता है. तो ये जो मीडियल इंटरकॉन्डाइलर टिबियल स्पाइन है उसके लेटरल और एंटीरियर एस्पेक्ट से एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है अटैच होता है. फिर वहां से ये जो है सुपीरियरली ऊपर की तरफ, लेटरली और पोस्टीरियरली पीछे की तरफ जाएगा. सुपीरियरली, लेटरली और पोस्टीरियरली, और अटैच होगा लेटरल फीमरल कॉन्डाइल के पोस्टीरो पीछे की तरफ और मीडियल साइड पोस्टीरो मीडियल एस्पेक्ट पे. तो डिस्टली इट अटैच टू टिबिया ऑन लेटरल एंड एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल इंटरकॉन्डाइलर टिबियल स्पाइन. देन इट एक्सटेंड सुपीरियरली, पोस्टीरियरली एंड लेटरली टू अटैच एट पोस्टीरो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल फीमरल कॉन्डाइल. अब ये जो है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट वो टीबिया पे जहाँ पे इंसर्ट होता है उसके बेसिस पे इसके दो बंडल्स होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ टीबियल इंसर्शन इट हैज टू बंडल्स. फर्स्ट एंटीरो मीडियल बंडल, जो एंटीरियर और मीडियल साइड पे होते हैं उन्हें एंटीरो मीडियल बंडल बोलते हैं. और जो दूसरे होते हैं पोस्टीरो लेटरल बंडल्स, जो टिबिया पे पोस्टीरो लेटरल साइड पे होंगे वो पोस्टीरो लेटरल बंडल. ब्लड सप्लाई, तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को मिडल जेनिकुलर आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करती है. फिर उसके बाद जो है अब वर क्या होता है ये दोनों बंडल्स का. जब नी जो है इज क्लोज टू फुल एक्सटेंशन, जब फुल एक्सटेंशन के एकदम पास होगी तो जो पोस्टीरो लेटरल बंडल होगा वो टाइट होगा. और जैसे ही नी फ्लेक्स करेगी तो एंटीरो मीडियल बंडल टाइट हो जाएगा और पोस्टीरो लेटरल बंडल लूज हो जाएगा. जैसे कि ये कोई पर्सन है उसकी ये जो नी है वो नियर टू फुल एक्सटेंशन है. तो क्या हुआ कि ये जो रेड कलर का पोस्टीरो लेटरल बंडल है वो एकदम टाइट होगा और जो एंटीरो मीडियल बंडल है वो उस टाइम पे लूज होगा. अब जैसे ही नी फ्लेक्स होने लगती है तो ये जो एंटीरो मीडियल बंडल है वो टाइट हो जाएगा और ये जो पोस्टीरो लेटरल बंडल है वो लूज हो जाएगा. तो इन शॉर्ट इसमें होता क्या है कि थ्रू आउट रेंज ऑफ मोशन, भले नी फ्लेक्शन हो भले नी एक्सटेंशन हो, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का कोई एक पोर्शन तो है जो टाइट रहता है. तो थ्रू आउट रेंज ऑफ मोशन क्या होता है कि ऐसा बोल सकते हैं कि ACL रिमेन टाइट ऑल टाइम. ACL दोनों में वर्क करता है और दोनों में कहीं ना कहीं उसका कोई पोर्शन जो है वो टाइट रहता है. अब हम देखेंगे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के फंक्शंस के बारे में. अब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का फर्स्ट फंक्शन है रिस्ट्रेन एंटीरियर टिबियल ट्रांसलेशन. अगर ये फीमर है और ये जो टिबिया है तो टिबिया इस तरह से एंटीरियरली ट्रांसलेट ना हो उसके लिए जो है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है उसे प्रिवेंट करता है. सेकंड है प्रिवेंट हाइपर एक्सटेंशन.
नी का जो है हाइपर एक्सटेंशन ना हो, उसके लिए जो है एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसमें भी पोस्टीरियर लेटरल बंडल। थर्ड है एंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट प्रोवाइड्स रोटेशनल स्टेबिलिटी। अब रोटेशनल स्टेबिलिटी मतलब कोई भी रोटेशनल मूवमेंट होती है लाइक मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, वारस, वार्गस, ये सब जो है इन सब मूवमेंट्स में जो स्टेबिलिटी है वो एंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट प्रोवाइड करता है, और उसमें भी जो है पोस्टीरियर लेटरल बंडल का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। थर्ड है फोर्थ पॉइंट है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जो होता है वो वाल्गस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जो है उसके साथ जो है एंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट मिलके दोनों वाल्गस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और अगर कभी मीडियल कोलेटरल लिगामेंट इंजर्ड हो जाए तो सारा जो लोड है वो एंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट पे आ जाएगा। तो ये फोर फंक्शंस है, फर्स्ट रीस्टेंड एंटीरियर टिबियल ट्रांसलेशन, सेकेंड प्रिवेंट हाइपर एक्सटेंशन बाय पोस्टीरियर लेटरल बंडल, थर्ड ACL प्रोवाइड रोटेशनल स्टेबिलिटी, फोर्थ अलोंग विद मीडियल कोलेटरल लिगामेंट इट प्रोवाइड्स द वाल्गस स्टेबिलिटी। अब ये फंक्शंस के अलावा रोल ऑफ मसल्स कि कुछ मसल्स का किस तरह से रोल आता है एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट में, तो सबसे पहले गैस्ट्रोक्नीमियस और क्वाड्रिसेप मसल, ये दो मसल जो है वो एंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट पे स्ट्रेस जनरेट करती है, स्ट्रेस इंक्रीज करती है। जब क्वाड्रिसेप और गैस्ट्रोक्नीमियस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ACL पे स्ट्रेस इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एंटीरियर टिबियल ट्रांसलेशन भी बढ़ता है। सेकेंड है हैमस्ट्रिंग एंड सोलियस, ये ACL पे स्ट्रेस को कम करते हैं क्योंकि इनके कॉन्ट्रेक्शन से पोस्टीरियर टिबियल ट्रांसलेशन जो है वो होता है। अब इसको सिंपली समझते हैं, जैसे कि ये जो है नी जॉइंट में फीमर है और ये जो टिबिया है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो है क्वाड्रिसेप मसल होता है। अब क्वाड्रिसेप क्या करवाता है, नी का एक्सटेंशन। अब नी का एक्सटेंशन होगा तो साथ में टिबिया का एंटीरियर ट्रांसलेशन होगा, तो टिबिया का एंटीरियर ट्रांसलेशन होगा तो ACL का काम बढ़ जाएगा, तो उस पे स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो इस तरह से है कि अगर ये फीमर है, ये टिबिया है, ये रेड कलर की क्वाड्रिसेप मसल है पटेला के आगे, तो होता क्या है कि यहाँ पे क्वाड्रिसेप मसल का एक्शन इस तरह से होता है फीमर, तो उसकी वजह से अगर पैरेललोग्राम मेथड से देखे तो टिबिया का जो है एंटीरियर ट्रांसलेशन होगा। हैमस्ट्रिंग में उल्टा होगा, जैसे कि ये जो है फीमर है, ये टिबिया है। अब हैमस्ट्रिंग पीछे की तरफ होता है, वो नी को फ्लेक्स करवाएगा, और वो फ्लेक्स करवाएगा तो साथ में जो टिबिया है वो पोस्टीरियरली ट्रांसलेट होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है हैमस्ट्रिंग मसल इस तरह से। अगर पूरा नी एक्सटेंशन है, इस तरह से यहाँ पे हैमस्ट्रिंग मसल्स है। अब हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो नी का जो है फ्लेक्शन करवाते हैं, तो वो उन्होंने कॉन्ट्रेक्शन किया तो ये जो है नी का फ्लेक्शन हुआ, उसके साथ साथ टिबिया का पोस्टीरियर ट्रांसलेशन हुआ, इस तरह से पोस्टीरियर ट्रांसलेशन हुआ, ये हैमस्ट्रिंग का जो है एक्शन, और फिर ये फीमर लाइन ऑफ। तो ये पैरेललोग्राम से हम समझ सकते हैं कि इस तरह से ये पोस्टीरियर ट्रांसलेशन करा रहे टिबिया का। तो ये चीज जो है इम्पॉर्टेंट आएगी जब ACL टियर होगा। अब ACL टियर में क्या होता है कि पर्सन को जो है क्वाड्रिसेप जो है कॉन्ट्रेक्शन इनिशियल डेज पे नहीं देते हैं, वो भी फुल एक्सटेंशन में बिल्कुल नहीं देते ACL टियर में, क्योंकि अगर क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, ऑलरेडी ACL टियर है और हम फुल एक्सटेंशन में क्वाड्रिसेप जो है स्टेटिक क्वाड्री करवा रहे हैं, तो उससे क्या होगा ACL पे स्ट्रेस और इंक्रीज होगा। तो हम क्या करते हैं, को कॉन्ट्रेक्शन करवाते हैं, क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग का को कॉन्ट्रेक्शन करवाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो है स्टेबल रहेगा, स्ट्रेस भी ACL पे इंक्रीज नहीं होगी। या तो एक्सरसाइजेस ऐसी करवाएंगे जिसमें हैमस्ट्रिंग कॉन्ट्रेक्शन डोमिनेंट हो। अब हैमस्ट्रिंग के साथ सोलियस भी जो है
वो भी जो है पोस्टीरियर टिबियल ट्रांसलेशन करवाता है, क्योंकि उसका एक्शन ऑफ पुल जो है वो पोस्टीरियर टिबियल ट्रांसलेशन कराता है। तो ये चीज को जो है वो ध्यान में रखना है। अगर ACL टियर हो तो क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रेक्शन तो एकदम जो है नी एक्सटेंड करवा के नहीं करवाना है, इनिशियल डेज पे तो बिल्कुल नहीं। जो है थोड़ा सा नी को जो है फ्लेक्स करवा के क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रेक्शन करवाना है, या तो क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग का को कॉन्ट्रेक्शन जो है करवाना है। आगे की मेरी वीडियो है जिसमें मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, उसमें ये अच्छे से बताया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।